स्टूडेंट्स दिस इज द ट्वेल्थ लेक्चर ऑफ रेडियो एंड टेलीकोम्युनिकेशन सिस्टम इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इमेज फ्रिक्वेंसी एंड डबल स्पोर्टिंग तो आइए सबसे पहले देखते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी होता क्या है और इसको हम लोग जो है रिजेक्ट कैसे करते हैं तो एज वी नो डाट जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो है वो टी दैट मीन्स ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर से बेटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है टी आर एफ से बेटर है बट सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक आता है जिसको हम लोग जो है इमेज फ्रीक्वेंसी कहते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी जो है सुपर हेटोडाइन रिसीवर में राइज होता है इन करता है और राइज होता है ड्यू टू वी यूज़ हेयर हेट्रोडाइन प्रिंसिपल यहाँ पर जो है हेट्रोडाइन प्रिंसिपल का यूज़ करने की वजह से जो है इमेज फ्रीक्वेंसी सुपर हेटोडाइन रिसीवर में जनरेट होता है ओके okay? तो यहाँ पर जो है कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन प्रोसेस यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होता है वो लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर मिक्सर के हेल्प से होता है जो कि डिज़ायर्ड सिग्नल के साथ साथ अनडिज़ायर्ड सिग्नल भी इन करवा देता है ओके तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा जो है कि इनकमिंग सिग्नल से बड़ा होता है यहाँ पर जो है सुपर एटोडाइन रिसीवर में लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी वो इनकमिंग सिग्नल से हमेशा बड़ा होता है और जो उसका वैल्यू रखा जाता है लोकल ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी का वो समेशन किसका होता है इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है जिसको हम लोग जो है मैथमेटिकली इक्वेशन नंबर वन में लिखा हुआ है एयर एफ ओ इज़ इक्वल टू एफ एस प्लस एफ आई यहाँ पर जो एफ ओ है वो आपका लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी एफ एस जो है वो आपका डिज़ायर्ड इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड एफ आई इज़ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी अब इक्वेशन वन से अगर हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो एफ आई का जो वैल्यू है यहाँ से इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को हम लोग निकाल सकते हैं एफ आई इज इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ एस तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंस है लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का और सिग्नल फ्रीक्वेंसी का अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक और फ्रीक्वेंसी जो है जिसका वैल्यू जो है एफ एस आई है वो मिक्सर में इन कर वो इन कर जाता है वो रिसीवर से रिसीव हो जाता है और मिक्सर तक पहुँच जाता है तो उस कंडीशन पर जो एफ एस आई का वैल्यू होगा रिसिव्ड सिग्नल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा अनदर रिसीव्ड सिग्नल का वैल्यू जो होगा तो वो एफ ओ प्लस एफ आई होगा जैसा कि हमने यहाँ पर एफ एस आई प्लस एफ आई इसका मान लिया कि इसका वैल्यू है सपोज़ ठीक है तो यहाँ पर जो है ये फ्रीक्वेंसी जो एफ एस आई है और यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा तो यहाँ पर जो एफ एस आई है वो भी क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन थ्री में देखें तो एफ़ आई से भी हम लोग इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं एफ एस आई माइनस एफ़ ओ अगर करेंगे तो वो भी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा और इक्वेशन टू में देखते हैं कि एफ ओ माइनस एफ एस करते हैं तो वो भी क्या होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो यहाँ पर जो अनदर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है इक्वेशन थ्री में वो भी क्या होता है कि आई एफ स्टेज से एम्प्लीफाई हो जाता है क्योंकि हमारा जो आई एफ एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्प्लीफायर जो होता है वो क्या होता है कि वो तो सिर्फ एक पार्टिकुलर बैंडविथ पर वो सेट रहता है पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो सेट रहता है तो वो जो है आईएफ पर ही सेट रहता है फोर फिफ्टी फ़ाइव पर अगर एम की बात करें हम लोग तो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी भी अदर मतलब अदर फ्रीक्वेंसी से भी अगर हमारा आईएफ का वैल्यू 455 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है कि आई स्टेज में इन कर जाता है और फ़र्दर वो एम्प्लीफाई होकर के आउटपुट पर चला जाता है और हमारा सिग्नल क्या होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है ओके okay? तो इस इफ़ेक्ट पर दिस हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टू सोर्सेज और स्टेशन बिन रिसीव्ड साइमल्टेनियसली तो ये जो इफेक्ट होता है ये किस वजह से होता है कि जब टू स्टेशन और या फिर सोर्सेज से जो है सिग्नल रिसीव हो जाता है एट अ टाइम सेम टाइम पर और ये जो सिचुएशन है ये ऑब्वियस है कि जब हमारा सिग्नल ऑरिजनल सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा है तो क्या होगा अनडिज़ायरेबल सिग्नल सिचुएशन है तो यहाँ पर जो एफ एस आई है उसी एफ एस आई को हम लोग क्या कहते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी कहते हैं और यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस ट्वाइस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ये जो समेशन होता है किसका किसका समेशन होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस ट्वाइस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का ये समेशन होता है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन थ्री में हम लोगों ने लिखा था कि एफ एस आई इक्वल्स टू एफ ओ प्लस एफ आई और इक्वेशन वन में था इक्वेशन वन में क्या था कि एफ ओ इक्वल्स टू एफ एस प्लस एफ आई तो अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं तो एफ एस आई का जो वैल्यू आता है इक्वेशन फोर में हम लोग देख सकते हैं कि वो एफ एस प्लस सॉरी एफ एस आई इक्वल्स टू एफ ओ प्लस टू एफ आई होता है ओके तो यहाँ पर आप लोग इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं सपोज़ ये जो आप लोगों का एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है एंड दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी ठीक है ये आई एफ का रेंज है तो यहाँ पर जो लोकल ऑसिलेटर का जो सिग्नल है लोकल ऑसिलेटर का ये वैल्यू है और एक जो है इस रेंज में वांटेड सिग्नल जो है हुआ और दूसरे साइड क्या हो गया वो अनवांटेड सिग्नल जो है आ, सेलेक्ट होता है सपोज़ तो यहाँ पर जो है कि एल प्लस एल प्लस लोकल ऑसिलेटर का जो समेशन होता है क्या होता है यहाँ पर कि जो एक वांटेड सिग्नल और एक अनवांटेड सिग्नल यहाँ पर रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वांटेड सिग्नल है वो क्या हो जाएगा एल इक्वल्स टू मेरा जो एफ ओ होता है एफ ओ एफ ओ इक्वल्स टू एफ एस प्लस एफ आई होता है ओके तो यहाँ पर देखिएगा कि एफ एस प्लस एफ आई जो है यहाँ पर ये एलो यहाँ पर जनरेट हो रहा है यहाँ हेयर ओके हेयर और यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या है कि एफ एस माइनस एफ आई का ये जनरेट हो रहा है ठीक है यहाँ पर इस फंक्शन से यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि एफ एस आई माइनस एफ आई जो है वो एफ ओ को जनरेट कर रहा है ठीक है लोकल असिलेटर के फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर निगेटिव एफ आई है निगेटिव एफ आई और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव एफ आई यहाँ पर हो रहा है ओके तो ये जो है इस यहाँ पर से क्लियर हो रहा है कि एक क्या है अनवांटेड सिग्नल है और एक क्या है वांटेड सिग्नल है ओके तो यहाँ से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अब ये कंडीशन आने का मेन रीज़न रीज़न क्या हो जाता है कि एफ एस प्लस एफ ओ प्लस एफ आई यहाँ पर होता है और दूसरे जगह पर जो होता है तो यहाँ पर होगा एफ एस इज़ इक्वल टू एफ़ ओ माइनस एफ आई अगर इक्वेशन वन से देखेंगे तो एफ एस इज इक्वल टू एफ एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एफ ओ माइनस एफ आई ओके और अगर हम लोग इक्वेशन थ्री से देखेंगे तो एफ एस आई इक्वल्स टू एफ ओ माइनस एफ ओ प्लस एफ आई इसका रीज़न क्या है कि आप लोगों को पहले बताया था मैंने कि मिक्सर जो है वो नेगेटिव समेशन और डिफरेंस दोनों करता है तो इसलिए ये आउटपुट हम लोगों को मिलता है ओके okay? तो आफ्टर दिस जो है ये जो अनडिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी होता है आई एफ पर डिस्टिंग नहीं हो सकता है इसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते है, या फिर ये कहें कि इसको हम लोग आ, देख नहीं सकते हैं जब ये मिक्सर तक पहुंच जाता है तो ये जो है आई एफ एस्टेज से आ, मतलब सिमिलरली जैसा कि हम लोगों का डिज़ायर्ड सिग्नल के साथ ये एम्प्लीफाई करता है एंड फ़र्दर उसको फॉरवर्ड करता है उसी तरह से ये अनडिज़ायर्ड सिग्नल के साथ भी ये क्या करता है उसको एम्प्लीफाई करता है और फर्दर स्टेजेस uh, के लिए इसको फॉरवर्ड करता जाता है जो कि हमारे सिग्नल को एटोनेट करता है डिस्टॉर्ट करता है ठीक है हमारा एक्चुअल सिग्नल को वो क्या करता है डिस्टर्बेंस um, उसमें पैदा करता है okay? ओके अब आते हैं कि रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं तो द रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी सिग्नल By signal tuned circuit is given by the term image frequency rejection ratio and may be defined as the ratio of gain at the signal frequency to the gain of gain at image frequency तो यहाँ पर इसको reject करने के लिए हम लोग एक term का ka use करते हैं जिसको हम लोग image frequency rejection ratio कहते हैं इसको हम लोग अल्फा से denote करते हैं और ये जो रेशियो होता है वो gain at the signal frequency to the गेन एट द इमेज फ्रीक्वेंसी का ये रेशियो होता है मैथमेटिकली इसको हम लोग जो लिखते हैं तो अल्फ़ा इक्वल्स टू वन प्लस क्यू स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर होता है ठीक है का अंडर रूट होता है ओके okay. तो अब हम लोग यहाँ पर रो का वैल्यू क्या होता है रो का वैल्यू जो होता है इमेज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ एस होता है और मतलब सिग्नल फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी कहना ज़्यादा बेटर होगा और माइनस डिजायर सिग्नल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एफ एस आई इसको हम लोग इक्वेशन सिक्स से डिनोट करते हैं ओके okay? तो ये जो एक टर्मिनोलॉजीज़ है ठीक है जो uh, है, कि रेशियोज़ का डिफरेंस है रो जो है यहाँ पर ओके okay? और क्यों जो है क्या है क्वालिटी फैक्टर है ट्यून्ड सर्किट का एट लोडेड कंडीशन अब नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ द रिसीवर हैज़ आर एफ एस टेज देयर इज़ ओनली सिंगल ट्यून्ड सर्किट एंड रिजेक्शन विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन फाइव थे यहाँ पर जो है आर एफ स्टेज अगर रिसीवर के पास है और उसके पास जो है ट्यून्ड सर्किट है तो यहाँ पर रिजेक्शन जो है इक्वेशन नंबर फ़ाइव से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ओके इमेज रिजेक्शन और किसी भी सुपर एट्रोडाइन रिसीवर का जो इमेज फ्रिक्वेंसी रिजेक्शन है वो सिलेक्टिविटी पर रिसीवर के सिलेक्टिविटी पर कंप्लीटली डिपेंड करता है दैट मीन्स के गेंद पर डिपेंड करता है ओके okay? और नेक्स्ट है आपका कि जो रिजेक्शन है वो जो है आई एफ से पहले ही हो जाना चाहिए अदरवाइज जो है हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और उसको जो है वो वो डिज़ायर्ड सिग्नल के साथ वो फर्दर जो है आ, मतलब बर, आ, वो आगे बढ़ता चला जाएगा ओके okay? मतलब फर्दर जो है वो फॉरवर्ड होता जाएगा और हमारे आउटपुट पर वो पहुंच जाएगा अब यहाँ पर है कि इट मे ऑब्जर्व डैट इफ़ एफ एस आई इज़ एफ एस आई डिवाइडेड बाई एफ एस इज़ लार्ज इज़ द इज़ द केस ऑफ़ एम ब्रॉडकास्ट द यूज़ ऑफ़ एन आर एफ स्टेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर गुड इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन तो यहाँ पर है कि अगर ये रेशियो एफ एस आई डिवाइडेड बाई एफ एस का अगर रेशियो लार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन पर क्या करते हैं कि आर एफ स्टेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है और वहाँ पर जो है जो हम लोग फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं वो थ्री से अबव का थ्री सॉरी थ्री मेगा से एबव का फ्रीक्वेंसी हम लोग जो है यहाँ पर सेट करते हैं ओके okay? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डबल इस्पोर्टिंग डबल इस्पोटिंग क्या होता है तो डबल इस्पोटिंग कम्प्लीटली जो है इमेज फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंडेंट uh, है तो डबल इस्पोर्टिंग वेन आ रिसीवर पिकअप द सेम शॉर्ट वेव स्टेशन एट टू नियर बाई पॉइंट ऑन द रिसीवर तो डबल इस्पोर्टिंग फेनोमिन टेक्स प्लेस तो उस पर क्या होता है कि जब रिसीवर पर दो शॉर्ट वेव मतलब दो आसपास में किसी भी रिसीवर के पास दो स्टेशन है तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो कि दोनों सिग्नल दोनों स्टेशन से वो सिग्नल को रिसीव कर लेता है तो क्या होता है डबल स्पोर्टिंग का फेनोमेना क्रिएट हो सकता है ठीक है क्योंकि अगर सेम फ्रिक्वेंसी पर दोनों सेट है तो क्या होता है यहाँ पर डबल स्पोर्टिंग का फेनोमिना क्रिएट हो जाता है द मेन काज ऑफ डबल इस्पोटिंग इज़ पुअर फ्रंट एंड सिलेक्टिविटी पोअर फ्रंट एंड सेलेक्टिविटी जो होता है और दैट इज़ इन एडिक्यूट इमेज फ्रिकुंसी रिजेक्शन यहाँ पर जो है कि इमेज फ्रिकुंसी का रिजेक्शन जो होता है वो इन एडिकुएट होता है और फ्रंट एंड सिलेक्टिविटी की पुअर होने की वजह से जो है यहाँ पर इस्पोटिंग डबल स्पोर्टिंग जनरेट होता है उसके बाद द फ्रंट एड ऑफ रिसीवर डज नॉट सेलेक्ट डिफरेंट ए एडजेंट सिग्नल वेरी वेल जनरली जो होता क्या है कि फ्रंट एड्स रिसीवर जो होता है वो नेबर्स का या फिर अनवॉन्टेड सिग्नल को ज़्यादा नॉर्मली सिलेक्ट नहीं करता है बट एडवर्स इफेक्ट जो होता है डबल स्पोर्टिंग होता है इज़ दैट कि जब वीक स्टेशन में मार्क बाई द रिसेप्शन ऑफ अ नियर बाई अस्ट्रॉग स्टेशन इस कंडीशन पर क्या होता है कि जब डबल स्पोर्टिंग जो जनरेट होता है तो वीक स्टेशन जो होता है वो नियर बाई इस्ट्रांग स्टेशन दैट मीन्स के इस्ट्रॉग रिसीवर्स के पर क्या आता है वो रिसीव हो जाता है ओके वीक स्टेशन भी वीक सिग्नल मान लो कोई वीक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है ट्रांसमिटर से वीक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है बट हमारा जो है रिसीवर का जो गेन है वो काफ़ी हाई है तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि uh, strong, मतलब वीक सिग्नल भी क्या आता है? वहाँ पर? Receive हो जाता है वहाँ पर रिसीव हो जाता है अनवांटेड पॉइंट की तरह अनवांटेड सिग्नल की तरह रिसीवर पर ओके okay? तो uh, फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि uh, ये जो आपका डबल स्पोर्टिंग का जो काउज़ है डबल स्पोर्टिंग से हम लोग जो है आई को भी अन आईएफ आई ऑफ रिसीवर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं ओके okay? उसके बाद है द अनडिज़ायर्ड पॉइंट ऑन डाइल इज़ प्रिसाइजली टू एफ आई बिलो द करेक्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो अन डिज़ायर्ड सिग्नल जो होता है जिसको हम लोग इमेज सिग्नल कहते हैं ओके इमेज फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो जो है एक्चुअल सिग्नल जो हमारा डिज़ायर्ड सिग्नल है वो टू एफ आई से कम होता है नीचे होता है ओके okay? लो होता है उससे तो हम लोग यहाँ पर पता है कि हमारा जो इमेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही होता है कि एफ एस आई इक्वल्स टू एफ एस प्लस टू एफ आई ओके तो यहाँ पर से अगर हम लोग इमेज फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग देखेंगे तो करेक्ट फ्रीक्वेंसी जो है टू एफ आई से नीचे ही ना होगा अगर हम लोग देखेंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इमेज फ्रीक्वेंसी का जो रिजेक्शन होता है वो हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं आ, मतलब इमेज फ्रीक्वेंसी के रिजेक्शन को अगर हम लोग इम्प्रूव कर लें तो डबल स्पॉटिंग को हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन टिल देन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू 何 <music>